मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। ताजा मामला मंगलवार देर रात की है, जहां अय्यापुर थाना से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक निजी कुरियर की कंपनी को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की राशि 14 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट भी की गई। पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की निशानदेही में जुट गई है। रात्रि में वो लोग शटर जो है खोल करके अपना हिसाब किताब कर रहा था, उसी समय चार लड़का आया और जो काउंटर से रुपया निकाल लिया। उन लोग के बताए अनुसार 14 लाख बता रहा है, लेकिन सही क्या है क्या नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में जो है अज्ञात का पता लगाया जा रहा है, संबंध अनुसंधान क्या जा रहा है। हम लोग का ऑफिस में काम खत्म हो गया था, कैश उसका मिला रहे थे, हम लोग पार्सल मिला रहे थे, 4 आदमी थे, गार्ड साहब थे, कैशियर थे, एक हम थे और एक इंचार्ज। जमशेदपुर में पुटका थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मांस की तस्करी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस मामले में आरोपी भगलू मांझी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धारा 12, 429 और 34 के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। थाना पर है सर, सूचना दिए मुझे, मैं आया, मैं इसको जानने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि गो का है किसका है, इसलिए इसको जानने के लिए हम लोग फॉरेंसिक लैब हटवा रांची भेज रहे हैं। करीबी लोग बताए कि 40-50 किलो।